एक करी खाने से बोर हो गए हैं तो एग्स एंड वेजिटेबल से मिक्स ये रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स रियली हेल्दी, टेस्टी एंड यमी। हेलो व्यूअर्स, आई एम अर्पिता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जायका फ्यूजन। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये क्विक रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। वैसे तो आप चाहें जो चाहें वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने ये इसमें 1 कैरेट लिया है, 1/2 बीटरूट लिया है, 1/2 कैप्सिकम लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और 2 अनियन लिए हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लेमन जूस, 4 टेबलस्पून टमेटो केचप, हरा धनिया और 1 टीस्पून लिया है मेयोनीज। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल गर्म करने के लिए दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब ये सारी वेजीज मैंने फाइनली चॉप करके रखी हैं। मैं धीरे धीरे एक एक करके इसमें डालूंगी। इसके प्रिपरेशन में जितना टाइम लगता है बस उतना ही टाइम है, बाकी कुकिंग में तो बहुत जल्दी कुकिंग हो जाती है। 15-20 मिनट में एक बहुत अच्छी फुल हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। ये सारी वेजीज मैं एक एक करके मिला रही हूँ। वेजीज डालने के साथ ही इसमें 1/2 टी स्पून सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। बस इसके बाद इसको 2 मिनट के लिए रख दीजिए जिससे कि सारी वेजीज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन को हटा लिया है। मुझे वेजीज को बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना था। हमें वेजीज को ओवर सॉफ्ट नहीं करना है। ओवर सॉफ्ट करने से क्या होगा, इनका जो क्रंची एक टेस्ट है वो चला जाएगा। बस अब ये जो अंडे हैं इनको मैंने फेंट लिया है। अब इसमें 1 पिंच सॉल्ट मैं मिला रही हूं। अब ये मुझे इसमें ऐड कर देना है। अंडे ऐड करने के बाद कंटिन्यूअसली आप स्टर करते रहिए। फ्लेम को हाई पे रखिए। सारी वेजीज के साथ एक को बहुत अच्छे से मिला लेना है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज इसमें यूज कर सकते हैं, ब्रोकली है, कैबेज है, जो भी आप मिलाना चाहें। अब इसके बाद मैं इसमें ये जो सॉस रखा था ये पूरा मिला दूंगी। फ्लेम को लो पे कर दीजिए। टोमेटो सॉस को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। जिनके पास समय की कमी है तो वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। टोमेटो केचप अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है वो ऐड कर दूंगी। आप मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। बस और लेमन जूस। टीस्पून वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो स्किप कर जाइए, ये पूरा ऑप्शनल स्टेप है। मेयोनीज डालने से बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है। सारी चीजें मैंने मिक्स कर दी हैं। अभी थोड़ा सा हरा धनिया,
ऑलमोस्ट रेडी है, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैं इसमें काली मिर्च पाउडर और मैंने 1 टीस्पून बटर रखा है इसको मिला दूंगी। देखिए ये हेल्दी टेस्टी एंड यम्मी रेसिपी तैयार है, इसको आप लंच में डिनर में जिसमें भी चाहें सर्व कर सकते हैं।